हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी ट्रिक जो बहुत ही काम आती है और बहुत ही काम आने वाली है। आपने देखा होगा जब भी हम कभी मार्केट से कोई भी नया बर्तन लेकर के आते हैं तो उसके ऊपर स्टिकर्स लगे होते हैं, और वो स्टिकर्स अगर हम ना निकालें तो जैसे ही हम बर्तन को यूज़ करते हैं, आग में आग के ऊपर आँच पे चढ़ाते हैं, तो वो बहुत ही काले काले और जलने के बाद बहुत ही ख़राब दिखते हैं और बहुत गंदी तरीके से वो निकलते हैं। और उनको बर्तनों को साफ़ करने में और बहुत दिक्कत होती है, और साथ में ही वो बहुत टूट टूट कर निकलते हैं तो वो बहुत ही गंदे लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ यही ट्रिक शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दो स्टिकर लगे हुए हैं कुकर में, ये नया कुकर है, इसमें दो स्टिकर लगे हुए हैं। अब मैं इनको आपको निकाल कर बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर हमने गैस को जला लिया है और अब हम इसके ऊपर कुकर को रख देंगे। कुकर को हमने पहले वॉश कर लिया था अच्छे से, हमें कुकर को अच्छे से वॉश कर लेना है। अगर हमारा कुकर वॉश नहीं होगा तो उसमें जो भी गंदगी होगी वो चिपक जाएगी कुकर में। और जब भी नया बर्तन हम गैस पे चढ़ाएं तो उस पर थोड़ा सा पानी ज़रूर रखें, और थोड़ा सा पानी रखने के साथ में उससे पहले वॉश अच्छे से ज़रूर कर लें। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर स्टिकर को चेक कर रही हूँ कि वो निकलने के लिए रेडी हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी हमारा कुकर इतना गर्म नहीं हुआ है, हल्का सा ही कुकर जब गर्म होगा तो स्टिकर अपने आप उससे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे नाइफ़ ले लिया है और उससे मैं थोड़ा सा देख रही थी, और देखिए ये निकल आया, कितनी आसानी से निकल आया स्टिकर, और बिल्कुल भी कुकर पे कुछ भी नहीं लगा छूटा है, कुकर पे बिल्कुल भी चमकता हुआ कुकर निकला है। और यही अगर हम अभी ना निकालें और कुकर को यूज़ करने लग जाएं तो बहुत ही गंदा दिखता है, बहुत ही गंदी तरीके से ये स्टिकर इसमें काफ़ी दिनों तक चिपका रहता है इसी तरीके से। अब यहाँ पर मैंने दोनों स्टिकर निकाल लिए हैं, कुकर की गैस को बंद कर दिया है, कुकर में मैंने थोड़ा सा पानी रखा था ताकि कुकर फर्स्ट टाइम हम आँच के ऊपर रख रहे हैं ना तो वो ख़राब ना हो। तो ये देखिए हमारा चमकता हुआ कुकर कितना अच्छा दिख रहा है, और बहुत ही अच्छा हमारा कुकर, ये बहुत ही अच्छा हमारा कुकर क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कुकर के दोनों ही स्टिकर निकल चुके हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।